हेलो डियर, नेक्स्ट अपना कार्यपत्र 3 है, प्रखर गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो अभी दक्षता है, संख्याओं की तुलना, आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। आपकी ये बड़ी परेशानी रहती है, आपको हम इतना इजी तरीका बताएंगे कि आपको ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की जानकारी बहुत ईजी हो जाएगी। आप सेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम लिख पाओगे। पहला प्रश्न ये है, दी गई संख्याओं के बीच ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू अर्थात बराबर का निशान लगाएं। अब देखो भी जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है, देसी भाषा में बोले तो, और ये छोटी है, इसका ये क्या है भी, इधर से आकार कम है तो ये छोटी है, इधर खुला ये बड़ी है। तो इसमें बड़ा चेक करना तरीका, इसमें देखो भी इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, तो आप पहले क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पर जाएंगे। हजार इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है। इसमें 6, सैकड़ा इसमें 6 है, कोई पता नहीं चल रहा। इसमें दहाई का अंक 2 है, इसमें कितना है भी 8 है, 2 बड़ा है 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी, इस प्रकार लगा। अब यहाँ पर कितने भी अंक है, 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये हजार और 10 हजार का 5 है, ये भी 5 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये 8 है, ये 7 है, 8 बड़ा है, 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, ये निशान लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो भी ये 500 की संख्या है, 68,259, 68,259 दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये बराबर का निशान लगा दोगे। यहाँ पर देखो ये 5 अंक हैं, ये भी 5 अंक हैं, तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार पर जाओ। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, पता नहीं चल रहा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, 5 बड़ा का 8 बड़ा, 8 बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। यहाँ पर देखो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है भी 1 है, 1 बड़ा 9 बड़ा, 9 बड़ा, ये बड़ा हो गया। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों को। अब देखो भी यही तरीका इसमें अपनाएंगे हम, नीचे दी गई संख्याओं का आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, जैसे इसने यहाँ पर हमको करके दिखाया एक खुद। हम देखो इसको करते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, बाद में ये निशान लगा देंगे, साथ साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, सारी संख्याएं 5 5 अंकों की हैं। तो यहाँ पर देखो भी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 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 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, पता नहीं चल रहा है कौन बड़ी है कौन छोटी है। अब देखो भी यहाँ पर कितना आ गया, अभी 9, सैकड़ा का अंक, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर सबसे छोटा 9 बड़ा है, 8 बड़ा है, 9 बड़ा है, 8 छोटा है, तो हम दो संख्याएं इनमें से लेंगे। अब इनमें देखो भी बड़ी कौन सी है, अभी यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है अभी 8 है, तो 8 छोटा है, सबसे पहले ये आएगी 22,889, सबसे छोटी आएगी, इससे बड़ी फिर ये आ जाएगी, इसका ऐसा निशान लगाओगे 22,899, इससे बड़ी यहाँ लिखनी है। अब 3 संख्या इसकी, 1, 2, 3, इसमें देखो भी 3 अंक तो सभी में सेम है, 229, 229, 229। अब आगे वाले देखने, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 इससे सबसे इनमें छोटी होगी, तो ये लिखोगे 22,988, फिर ये निशान लगाओगे, फिर इन दोनों में संख्याओं में देखोगे, ये इकाई का देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, 8 छोटी है, तो 22,998, फिर इससे बड़ी हो जाएगी 22,999, इस प्रकार लिखोगे आप। अगला सवाल देखो भी क्या दे रखा है इसने, ये भी 5 5 अंकों की संख्याएं हैं, तो यहाँ पर देखो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 10 हजार का, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 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 8 है, पता नहीं चल रहा। फिर देखो आप हजार का अंक 1 है, 3 है, 1 है, 9 है, 2 है, तो एक एक और ले लो, एक ये संख्या ले लो, एक ये संख्या ले लो, एक सबसे छोटा होता है इनमें से देखो भी, फिर सैकड़ा देखो, यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, 3 छोटा होता है, सबसे छोटी ये हो जाएगी 81,329। फिर क्या हुआ, अभी इससे बड़ी ये हो जाएगी 81,923। फिर देखो भी ये 3 संख्या मिलेगी, 1, 2, 3, यहाँ पर देखो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार का 10 हजार का अंक तो सभी में 8 है, हजार का अंक यहाँ 2 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, 2 ये संख्या आएगी पहले,
फिर ये तीन वाली आएगी, फिर ये नौ वाली आएगी, 931। इससे बड़ी हो जाएगी ये 8 3 291, इससे बड़ी हो जाएगी ये 8 989231। अगला प्रश्न देखो, अभी तीनवा प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम या घटते क्रम में लिखना है। इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसमें सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी आएगा। अब यहाँ पर देखो, अभी अब की बार संख्याएं चार चार अंकों की नहीं है, 1 2 3 4, ये 5 अंकों की, ये 4 अंकों की, ये 4 की, ये 4 की, ये 5 की है। सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है तो पहले 5 अंकों वाली आएगी, 1 संख्या 2 संख्या। इनमें देखो बड़ी कौन सी, अभी काई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में यहाँ का 2 अंक का है, यहाँ पर 10,000 पर 8 अंक का है, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। 8 5 7 3 2 लिखोगे, ये सबसे बड़ी है, ये निशान इस प्रकार लगाओगे। इससे छोटी ये 5 अंक वाली ये आएगी, क्योंकि हम पहले 5 अंक ही लेंगे। अब देखो भी 4 अंक की संख्या चाहिए, 4 अंक की 3 है, तीन में देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार देखना है, इसमें 1005 है, इसमें 7 है, यहाँ पर 9 है, 9 सबसे बड़ा है, ये इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, 7 से छोटा 5 है, और अंक देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर लिखोगे 9008, फिर इससे छोटी हो जाएगी 7200 321, ये छोटी सबसे छोटी हो जाएगी 5673, 5773। इसी प्रकार यहाँ देखो भी ये 5 अंक हैं, ये भी 5 अंक हैं, और ये भी 5 अंक हैं, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 पर देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, 9 सबसे बड़ी, 7 सबसे छोटी, 5 सबसे छोटी, 9 0 0 0 7, इससे छोटी आ जाएगी 7 वाली, 7 3 2 8 2, इससे छोटी आ जाएगी ये 5 6 7 3 2। फिर यहाँ देखो भी ये 2 अंक की, ये भी 2 अंक की है, इकाई दाई सैकड़ा हजार है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हजार का अंक 5 है, 8 बड़ी है, तो ये बड़ी हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, भी छोटी हो जाएगी। समझ में आया तो आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। दिए गए अंकों का उपयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ये 5 अंक हैं, इनमें आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी बनानी है, वही तरीका अपनाएंगे हम। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, भी जो इकाई का अंक है वो सबसे छोटा लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 का अंक सबसे बड़ा लेंगे, सबसे इसकी बड़ी संख्या बनानी है अपने को। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, अभी 9, ये लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, भी 8, इसके बाद में 4, इससे छोटा कितना है 2, यहाँ पर 1, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले लिखेंगे, सबसे छोटा अंक कौन सा है, अभी 1, फिर कितना लिखेंगे, अभी 2, फिर 4, फिर 8, फिर 9, ये सबसे छोटी हो जाएगी। इसी अब यहाँ पर जब 0 आ जाए तब विशेष ध्यान रखने की बात है। सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, भी बड़ा अंक लिखेंगे 9, उसके बाद में 5, उसके बाद में 3, उसके बाद में 1, उसके बाद में 0। अब यहाँ से छोटी लिखनी हो तब दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आएगी, भी अब यहाँ पर जो 0 है वो अगर पहले लिख देंगे हम यहाँ पर तो ये 4 अंकों की हो जाएगी। अगर आप ऐसा ऐसा लिख देंगे 0 1 3 5 9, अब ये संख्या गलत है, यहाँ पर क्या, अभी 0 पहले आने से ये 1 2 3 4 अंकों की संख्या बन गई। हमको इसने बोला है कि 5 अंकों की संख्या बोली, हम 5 अंक कैसे करेंगे, भी तब 0 को शामिल करेंगे तो पहले लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, भी 1, फिर 0 को ले लेते हैं, 0 3 5 और 9, ये हो जाएगी 5 अंकों। उसी प्रकार इसको करना है अपने को, सबसे बड़ा अंक है 8 7 6 1 0, यहाँ पर भी क्या गए, भी 1 0 6 7 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना।